कृषा, गुड मॉर्निंग। कटरा पहुंच गया बेबी। हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। हम पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। सुबह सुबह 15 मिनट अर्ली अराइवल है ट्रेन का, और हमारी जो दूसरी ट्रेन, हमारी जो मैं इसीलिए कह लाइट्स रहा हूँ, उसका मूड बहुत लाइट्स खराब है ऑफ मेरे हो को। गई हैं। हे गाइस, हम पहुंच चुके हैं सुबह सुबह 6:15 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा के रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन अगर आप देखोगे तो सुपर, एकदम बहुत ही प्यारा बना हुआ नया स्टेशन है, एकदम ब्रांड न्यू। और फर्श देखो कैसे चमक रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल विपरीत, यहाँ पर आते ही बारिश शुरू हो गई हल्की हल्की। तो हम वेदर जो देख के आए थे उसके हिसाब से यहाँ पर बारिश तो नहीं होनी चाहिए थी दोनों दिन, पर अब तो शुरू हो गई। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स कि बारिश थोड़ी हल्की हो जाए, उसके बाद हम अपना गेस्ट हाउस की तरफ जाएंगे जो यहाँ से पास में ही है, और वहाँ पर थोड़ा फ्रेशन अप होंगे और वेट करेंगे कि मेरे साले की फैमिली यहाँ पर जल्दी से पहुँच जाए, और वो भी साथ में आ जाएंगे। वो फ्रेशन अप होंगे, फिर हम सारे यात्रा अपनी प्रारंभ करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम यात्रा की एक एक डिटेल भी आपको बताएंगे और खूब मज़े कराएंगे। ऋषा की पहली बार वैष्णो देवी यात्रा है और उसके फर्स्ट ईयर बर्थडे से पहले हम वहाँ जा रहे हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। ऋषि पूरे रास्ते वाई वर यू सो एक्साइटेड? इधर इधर आओ, इधर आओ। हाँ ऋषि, वाई वर यू सो एक्साइटेड? थैंकफुली हमारी थोड़ी बहुत नींद पूरी हो गई थी ट्रेन के अंदर, लेकिन कृष्णा ने अच्छे से नींद निकाल ली है, तो एटलीस्ट ये अब जाते जाते अपनी पूरी यात्रा एंजॉय वो करेगी। नींद नहीं आई। कृष्ण देखो, क्लाउड्स हैं ऊपर इतने सारे। बहुत सारे क्लाउड्स हैं। टोपी बाहर निकाली थी, कहाँ है वो? ये डालती नहीं, टोपी फेंक देगी। पर कितने सुंदर लग रहे हैं ना बादलों के बीच पहाड़। कृषु, हमें वो ऊपर वाले पहाड़ पे जाना है। रेलवे स्टेशन देखो भाई, कितना सुंदर बना है। आराम से ये देखो, है ना। हालांकि कोई शॉप्स वगैरह नहीं है स्टेशन पे, जैसे वो ठेले वाले लगे रहते हैं, है ना, वो तो नहीं है, पर वैसे साफ सुथरा है ना। हाँ, कृषि ने भी अग्री किया। सामने इतना अच्छा होटल बना हुआ है, कोई 3 स्टार 4 स्टार। और यहाँ भी है। तो हमारे पीछे चेकिंग हो गई थी, हम ये अपने साथ लेके आए हैं प्रिंट आउट अपने डबल वैक्सीन डोज के। तो अच्छा होगा कि आप घर से ही वैक्सीन आपको लगी हो या आप कोरोना टेस्ट करवा के आए। ये IRCTC वालों का गेस्ट हाउस, फूड स्टेशन और शॉपिंग लाउंज है। ये शिवान जा रहे हैं, यहाँ वॉशरूम्स भी बने हुए हैं, क्लॉक रूम भी है यहाँ पे। ये हमारा नाश्ता आ चुका, ये देखो, ये यहाँ के परांठे हैं IRCTC वालों के। ये गुड्डू हमारी लगी है बैज को खिसकाने। गुड़िया, आप खाओगे परांठा? चलो टेस्ट करके बताओ कैसा है। दही के साथ ठंडी दही। नहीं, नीचे नहीं बैठोगे आप? हम तो, वो जो हमने नाश्ता लिया था परांठे और चाय, वो नाश्ता मैदे का था, मतलब ठीक था, टेस्ट में कोई बहुत अच्छा नहीं था, पर हाँ अगर बहुत भूख लगी हो तो खाया जाएगा। और चाय अच्छी थी, हमने मतलब थोड़ा एक एक परांठा लिया, छोटे छोटे परांठे थे वो लिए, 50 रुपीज़ की प्लेट है यहाँ पे। बाकी और भी वैरायटी, आप छोले भटूरे वगैरह भी ले सकते हो, बाकी लोग ये सब भी खा रहे हैं। और हमारी कृषु ने तो चिप्स अपने कब्जे में कर लिए। कि मैं तो चिप्स खाऊंगी,
मैं तो चिप्स खा लूंगी मम्मा। कृषु के मामू भी पहुंच गए हैं, बस पापा नीचे लेने गए हैं उन्हें। मामू भी आने वाले, मामी आएगी। मामू आ गया। ओए मामू। अरे मम्मा आ गई मम्मा। बढ़िया, नीचे बहुत टाइम लग गया आपको। हाँ लाइन बहुत लंबी थी। कृष्णा ने ना ऊपर का दांत निकाला है तो मामे से सोन करवा रहा है हमने, मेरा मामा। हाँ मामे से ही चीनी कटोरी लेके ना काके के दांत को टच करवाएंगे। नहीं तो हाँ नहीं तो देखे देखे लड़ाई ना। दांत काट के लगाना है। जय माता दी। आष्टी बोले। हाँ लो जी माता रानी के दर्शन कर लो। तो हमने आते ही अपनी कोविड वैक्सीनेशन की रिपोर्ट दिखाई, और अगर आपके पास वैक्सीनेशन दोनों डोज नहीं लगी हुई हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, नॉट मोर देन 6 to 7 days बिफोर। बट यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन टोटल काफ़ी कोऑपरेटिव है, काफ़ी लोग लगे हुए हैं आपकी सर्विस के लिए, और काफ़ी क्लियर कट साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है, तो आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर निकलते हैं, स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको यहाँ पर भोजनालय मिलेगा जिसमें हमने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया है। नाउ वी आर गियर्ड अप, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ गेस्ट हाउस जहाँ पर हम रिफ्रेशमेंट्स लेंगे। हाँ उसे कहाँ तक जाएगी? 150 रुपए में दे आर लीविंग अस टू द मार्केट। रेलवे स्टेशन से मार्केट डायरेक्ट मार्केट। तो अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। अल्टीमेट एंट्री पर ही हम बेड लगा लेंगे अपना। हमने रूम लिया है सिर्फ फ्रेशन अप होने के लिए। 400 का कमरा है, 200 का कमरा लिया है। वो ट्राई करें और सस्ता भी मिल सकता है, पर ये बढ़िया था वैसे। चलो जी चल रहे हैं फिर यात्रा के लिए। ये हमारी आष्टी हो गई है रेडी, और ये हमारी कृषा हो गई है रेडी। ये कृषा के पापा, कृषा की मामी इतनी प्यारी प्यारी, और ये मामी की बेटी, ये मामी की एक और बेटी है। चलो काशु काशु चलो 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 चलो। और ये मम्मा। जय माता दी। जय माता दी। आष्टी ने देखो क्या लिया। चलो सारे बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आष्टी बोले। आष्टी बोलो। भी बोल रही है। बोले मैं बैठ खड़ा करती हूं। ये हमने प्रैम बुक करी है। एक प्रैम में हमारे बैग जाएंगे, और ये ब्लू वाली न्यू प्रैम है इसमें कृषा जाएगी। आष्टी हमारे साथ पाइपा करेगी, और काचू की पापा उसको गोदी उठा लेंगे। ये मेरी गुड़िया आ गई है प्रैम में। ये देखो यहाँ पे लोग अपने मन्नत वाली मन्नत की चुन्नी बांधते हैं। हाय सामने आ गया दर्शनी गेट, सब दर्शन कर लो। यहीं से हमारी यात्रा शुरू हो रही है। वो जो मैंने पहले वीडियो में बताया था ना कि यात्रा पर्ची लेके आनी है, तो वो यहाँ ही आगे जाके चेक होगी। यात्रा पर्ची लेके कौन आया? मैं लेके आई हूँ यात्रा पर्ची बैग में। इसी बात पे बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।
देखो दर्शन कर लो ऊपर, यहाँ बैग्स की चेकिंग होगी। ये आ गई हमारी सवारी। हाँ यात्रा पर्ची हो गई है तेरी चेक। भैया कितने में हुई है प्रेम? प्रेम कितने में हुई है? मैंने पे किया 680 340 पर ईच। सही है। और इन्होंने हमारे चार बैग लिए की। ठीक है सही है। तो आप लोग भी देखो अगर बच्चे के साथ आए हो तो आपको बिल्कुल भी बैग्स भी उठाने की नीड नहीं है। 340 में वो प्रेम हुई है नीचे बाणगंगा से चेक पोस्ट से कहाँ तक? आदकुंवारी तक। ठीक है आदकुंवारी के बाद हमारी बैटरी कार बुक करवाई हुई हमने, आदकुंवारी तक हम पैदल जाएंगे बिना किसी बैग के। ये भी खाओ लंगर का रास्ता। अच्छा ये गुलशन कुमार का लंगर है यहाँ पे, ये टी सीरीज वालों ने। तो यहाँ आप लंगर भी कर सकते हैं पर हम मतलब खाए आए हैं तो हम वापसी पे देख लेंगे आते टाइम पे। हम पहले ही परांठा खाए हैं। ये दो रास्ते हैं यहाँ से ओल्ड वे में से, जैसा कि आप देख रहे हैं ताराकोट मार्ग 2 किलोमीटर लंबा है तो 7-7.5 किलोमीटर पड़ता है। तो ये पूरा रैंप ये पूरा आपको लेके जाएगा उधर से जो नया मार्ग बनाया उधर से। और हमने लिया है पुराना रास्ता क्योंकि पिट्ठू और घोड़े पुराने रास्ते से ही जाते हैं। पुराना रास्ता 5.5 किलोमीटर का है, नया रास्ता 7.5 किलोमीटर का है। लास्ट टाइम गए थे तो 7.5 किलोमीटर वाले रास्ते से गए थे, इस बार हमने ओल्ड रास्ता लिया है क्योंकि हमारे साथ 2 पिट्ठू भैया हैं जो हमारा सामान और बेबी को लेके जा रहे हैं, है ना। इसके आगे भी 2 स्प्लिट है सो वी हैव 2 पेयर ऑफ न्यू वेज टू गो। दो ही रास्ते आदकुंवारी तक है, आगे आदकुंवारी से भवन के लिए भी 2 रास्ते हैं, एक पुराना और एक नया रास्ता, वो भी हम दिखाएंगे आप। हमारे साथ बने रहिए, हमने जैसा अभी यात्रा स्टार्ट करी है 200 मीटर में मैं हाफ गया हूँ। मुझे बोला और सांस चढ़ने लगी, मुझे बोला था कि पोस्ट कोविड की वजह से यू शुड इधर टेक घोड़ा और समथिंग बट आई एम ट्राइंग। यात्रीगण है उनके लिए यहाँ पर पालकी की व्यवस्था भी है, जो घोड़े पे नहीं बैलेंस बन सकता या फिर कंफर्टेबल नहीं फील करते उनके लिए पालकी जाती है। जय माता दी, जय माता दी। कितने की भैया? हवा आ गई, हवा आ गई। कूलर यार पानी भी पीना है। आधा पैसा वापस। कितने के दिए? कितने के दिए? 20 की है और वापस करोगे तो 10 रुपए वापस। तो हम इसी भैया को आके वापस करेंगे राज जनरल स्टोर। देखो ये बाणगंगा आ गई है यहाँ पे। ये देखो लोग यहाँ पे नहाते हैं, पानी बहुत ठंडा है क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम चल रहा है ना। इधर भी बाणगंगा में माता रानी ने अपने बाल धोए थे इसलिए इसे बालगंगा भी कहते हैं। और यहाँ पे ना इन्होंने अपनी प्यास बुझाई थी, अपना बाण मार के नदी निकाली, गंगा रिवर निकाली, तो इसलिए भी इसकी इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे हमेशा मतलब यात्री पहले तो ये बहुत ज़्यादा फ्लो रहता था इसका, अभी थोड़ा कम हो गया लेवल पानी का। तो चलते हैं आगे। जान दो। चलो कृषु आ जाओ। पुराना रास्ता थोड़ा ऐसे चढ़ाई वाला है। चलो 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 बाबू। धूप आ गई है, सुबह बहुत बारिश हुई थी। भाभी और आष्टी बैठ गए घोड़े पे बाणगंगा से ही। बच्चे के साथ कितने होते हैं? एक लगे एक्स्ट्रा हो गया ना। ठीक है ये है बाथिंग घाट।
काफी शॉप्स आती हैं। अगर आप ताराकोटी मार्ग लेते तो वहाँ कोई शॉप्स नहीं है ऐसे। चलो चलो चलो, बस पुराने रास्ते का यही है, यहाँ खच्चर चलते हैं साथ साथ और बोलते हैं साइड 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 बोलते जाते हैं। शॉप्स के साथ साथ आपको सुविधाएं मिलेंगी जैसे मेडिकल स्टोर्स, रेस्ट करने के लिए जगह भी बनी हुई है, वो तो नए मार्ग में भी है। हाँ, खड़ी चढ़ाई है पुराने रास्ते में तो पसीने से हालत देखो क्या हो गई है, बट इतना एक्साइटिंग महसूस हो रहा है इस टाइम पे, कोई पसीना कोई थकान कोई गर्मी आपको रोक नहीं सकती। जब आप इतनी सुबह बारिश हो गई थी गर्मी है। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। सोडे वाली शॉप से हमने सोडा लिया है। रास्ते में अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए, मेरे को बहुत ज़्यादा थकान होगी। हाँ जी, हाँ कितनी थकान चढ़ी है आपको? पसीने बहुत आ रहे हैं, डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है। हाँ। थकान तो बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी तक केवल हम 1.25 किलोमीटर आए हैं। इट्स स्टिल 4.25 किलोमीटर टू गो, जस्ट स्टिल आज को आ रही। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया लगा। मंदिर किया था, मैं फोन करियो नहीं। अरे वाह, चलो चले, राहत मिली। हम लास्ट वैष्णो देवी आए थे हमारी 2nd एनिवर्सरी पर, फिर 2020 में कोरोना हो गया, फिर बेबी हो गई, अब बेबी 1 साल की होने वाली है। 2nd एनिवर्सरी का। हाँ, हम 1st एनिवर्सरी पे आए थे। हाँ, 2nd एनिवर्सरी पे तो गुड़िया हमारी थी हमारे पास, और अभी 3rd एनिवर्सरी भी आने वाली है और गुड़िया भी 1 साल की होने वाली है, तो हम माता रानी के फिर से दर्शन करने आए हैं, माता रानी को थैंक यू बोलने। ये वाली चढ़ाई देखो कितनी खड़ी है। तो जी, ये आ चुका है चरण पादुका मंदिर पर प्रथम दर्शन। यात्रा के सबसे पहले दर्शन यहीं पे है। यहाँ पे माता रानी ने जब जा रही थी और भैरव उनके पीछे लगा हुआ था, तो माता रानी ने यहाँ से उनको पीछे मुड़ के देखा था, तो यहीं उनके चरणों की छाप आ गई थी, तो यहीं से उनका नाम, ये मंदिर का नाम चरण पादुका मंदिर पड़ा। हाँ जी, माता रानी को हिम्मत दें, आपको मुझे भी हिम्मत दें और हम फटाफट पहुंच जाएं। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, अरे आगे वाले जय माता दी, अरे पीछे वाले जय माता दी। ले भाई गोलगप्पे मिल रहे, सारी सुविधाएं दी है माता रानी ने। खाते जाओ बढ़ते जाओ, मैगी खाओ, ढाबे पे परौंठियां खाओ। देखो अचानक से कैसे मौसम चेंज हो गया, नीचे धूप थी और अब हम बादलों के ऊपर हैं। तो चला गया, देखो वो नीचे कटरा रह गया, वो कटरा है ना, तो कितने बादल हैं, बादलों के बीच चल रहे हैं हम। बहुत ठंड नहीं है पर हल्की हल्की हवा चल रही है। रास्ते में हाइड्रेटेड होते रहो, एनर्जी ड्रिंक्स पियो, पानी पियो, डिहाइड्रेशन नहीं होने दो बिल्कुल भी, तो एनर्जी भी खूब रहेगी और चला जाएगा। और कृष्णा का बताऊं क्या सीन हुआ, ना तो ये प्रैम में बैठ रही है, ना ये बेबी कैरियर में बैठ रही है। अच्छा ही हुआ हम घर से प्रैम नहीं लेके आए, ये तो कह रही है बस मुझे गोद में ही बैठना है, सांस इतनी फूली है। पर चलो थोड़ी हिम्मत मत, वहाँ देखो शिमाक दिखा रहे हैं, थोड़ी मैं दिखा रही हूँ, हो जाएगा धीरे धीरे। गाइस यहाँ से भवन सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया, बस जय माता दी करते करते चल रहे हैं। मौसम देखिए आप, मौसम एंजॉय करिए, सूरज दिख रहा है कैसे बादलों से ढक गया।
पसीना बहुत आया हुआ है, पर हल्की हल्की ठंडी हवा लग रही है तो अच्छा फील हो रहा है। वो शिवांक ऊपर चले गए, गुड़िया को उठा रखा है, साथ साथ भजन चल रहे हैं यहाँ, अच्छा लग रहा है बहुत। तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। ये देखिए आदकुआरी पर ये बोर्ड पर लिस्ट लगी हुई, रेट लिस्ट। तो हम आदकुआरी पहुंच चुके हैं, भाभी यहाँ पे घोड़े पर आ गई थी और घोड़ा स्टैंड पॉइंट तो यही है, तो वो प्रोबेबली यहीं वेट कर रही होंगी इंद्रप्रस्थ भोजनालय में। देखते हैं, पिट्ठू तो हमारा वो बैठा, ये रहा पिट्ठू हमारा जी। हाँ जी, अब सोइए प्रेम में, ये लड़की देख लो कितनी खराब है। आप सबकी कृषा, राजमा राइस ले लो, टेस्टी है ना राजमा राइस। राजमा राइस में लकड़ी राइस होते हैं ना, होता वो भी बना, और वो भी है जनाब। यहाँ से भी दो रास्ते जाते हैं, एक हिमकोटी मार्ग, एक हाथी मत्था मार्ग। हमने पहले सोचा था कि हम आदकुआरी वाले रास्ते से जाएंगे और टिकट लेंगे वहाँ से, और फिर हिमकोटी वाले मार्ग से बैटरी कार से ऊपर जाएंगे। पर अभी जब हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तो हमें किसी ने बताया कि आदकुआरी की गर्भजून गुफा बंद है और ऊपर भवन की भी गुफा बंद है, जो पुरानी गुफा है। ठीक है, तो अब वहाँ जाने का फायदा नहीं है, हमारी बैटरी कार इधर वेट कर रही है, तो वहाँ चलते हैं। आपको बैटरी कार के चार्जेस और कितने बजे चलती है वो भी बताते हैं आपको। स्टे ट्यून्ड, तब तक चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मौसम का मजा ले लो और जय माता दी। चलो अगर आपकी ऑफलाइन टिकट है तो आपको उस तरफ जाना है, ऑनलाइन टिकट है तो आपको इस तरफ आना है कंफर्मेशन के लिए। सिंगल साइड पे 300 रुपीज़ पर हेड चार्ज है, एंड फॉर अ किड इट इज 150 रुपीज़। नहीं, अप टू 5 इयर्स नो चार्ज, अप टू 5 इयर्स देयर आर नो चार्जेस, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, और उसके ऊपर आपको 300 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी सिंगल साइड। तो हमारी ऑनलाइन बुकिंग है, तो हम यहाँ वेट कर रहे हैं। किसी कृषा आई है पहली बार, इतने ठंडे मौसम में पहली बार आई है। तू 1 घंटा 10 मिनट में यहाँ पे आ गया, 5 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट में, ज्यादा 5 मिनट भी नहीं छोड़ दिया। तो हमारे साथ चलने वाले यात्रियों, माता रानी के भवन के दर्शन कर लो। देखा मौसम, देख रहे हो अभी शाम के 6:15 हुए हैं और ऐसे अंधेरा हो गया है। देखो हम बैटरी कार से आए हैं, हमें 25 मिनट लग गए बैटरी कार से, 5:30 बजे तक लास्ट वैन चलती है और 8 बजे तक वापसी की लास्ट चलती है अगर मौसम ऐसा हो तो। अब हम, हमारा रूम गौरी भवन में बुक है और हम बस वहाँ जा रहे हैं। आप ऊपर का व्यू ले, देख रहे हो कितना अच्छा है, माता रानी की कृपा, इतना अच्छा मौसम, बारिश हल्की हल्की, हल्की हल्की बरसात शुरू हो गई है। फटाफट चलते हैं, बच्चे हैं साथ में, भवन के दर्शन कर लो और हम रात को जाएंगे 10 बजे लाइन में लगेंगे, क्योंकि रात के 10 बजे वाली लाइन में ना बिल्कुल रश नहीं होता। बस हम गौरी भवन में अपना सामान रख के आते हैं, फिर आके डिनर करेंगे और फिर चलेंगे माता रानी के दर्शन करने। हम गौरी भवन की तरफ जा रहे हैं, तो गौरी भवन का रास्ता भैरव मंदिर की तरफ को है, भवन की, माता के भवन की तरफ को नहीं, उल्टा है, भैरव की तरफ को है। भीड़ देखिए कितनी है। हमें रूम नंबर 2 मिला है, रूम नंबर 2, गेट खुला, आपको रूम टूर दे देते हैं। से हाय एवरीवन, जय माता दी बोलो, हाय क्या होता है जी। हमें एक्स्ट्रा बेडिंग मिल गई है, ये उंगली दिख रही, ये वाली,
ये एक एक्स्ट्रा बेडिंग यहाँ पर छत्ते पे चढ़ी हुई है। ये टेबल है, दो चेयर्स मिली हैं, एक ऑयल हीटर है यहाँ पर, गोदरेज इंटीरियर की हमारे पास वार्डरोब है। और इस वार्डरोब के अंदर देख लेते हैं, प्री पैकेज्ड आई है विद ओ माय गॉड सो मैनी कंबल्स। तो कभी भी यहाँ पे बहुत सर्दी हो सकती है, इसलिए बड़े सारे कंबल हैं। एक टॉवल पड़ा हुआ है यहाँ पर, बाकी एक टॉवल यहाँ पे मिला है। ये हमारा सामान है, ये हमें बीच में नहीं मिला, हम लेके आए हैं। ये परिवार भी हम लेके आए हैं, पर्दे ठीक ठाक लगे हुए हैं। और इस रूम में एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम अभी दिखाएंगे नहीं, भवन आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है माता का। और ये है बड़ी सी बैल्कनी, वाह। ये है आपका वॉशरूम, सबसे इम्पोर्टेंट एरिया, यहाँ पे बम्बार्डिंग करी जाती है सुबह शाम। जैकवार की टैप्स लगी हैं इसमें, ओरियंट का इसमें गीजर लगा हुआ है, गीजर चलता है, एग्जॉस्ट है, बढ़िया साफ सुथरा एकदम, तो मक्खन वॉशरूम है। तो मतलब बेसिक नेसेसिटी की जो भी चीज़ें होती है इस रूम के अंदर परफेक्टली अवेलेबल है। और ये रूम जो एक सिंगल बेड के साथ आया है, इसमें हम चार अडल्ट और तीन बच्चे एडजस्ट कर लेंगे, सह लेंगे थोड़ा। जय माता दी।